हेलो गाइज वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिलिस एंड नाउ वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरल टॉपिक टू स्टार्ट आल टॉपिक ऑफ द इकोलॉजी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस वाट इज इकोलॉजी इट्स प्रिंसिपल्स इट्स ब्रांचेज इट्स सब डिविजन एंड इट्स रिलेशन टू द अदर सब्जेक्ट्स तो गाइज सबसे पहले देखते हैं इकोलॉजी ठीक है ओरिजिन के बारे में बात करते हैं इकोलॉजी इज ए ग्रीक टर्म ग्रीक मतलब आपने देखोगा मोस्ट ऑफ़ दी जो टर्म्स हैं साइंस में स्पेशली बायोलॉजी में जो टैक्सोनॉमी क्लोरोफिल या फिजियोलॉजी एनाटामी तो इनके जो ओरिजिन है वो ग्रीक्स है ग्रीक मतलब एक कंट्री ऑफ द ग्रीस जहाँ के बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र हुए हैं तो उन्होंने जो स्टार्टिंग का वर्क है पूरे साइंस में सब उन्हीं के थ्रू किया गया है ग्रीक्स एंड लैटिन इसमें कई सारी कंट्री आती हैं ग्रीक का मतलब ग्रीक नहीं है लैटिन का मतलब लैटिन नहीं है एक पूरा एक एरिया जैसे दो तीन कंट्री में लैंग्वेज बोली जाती है और जो अर्लियर फलासफर हुए हैं जैसे अरिस्टोटल ठीक है लिनियस प्लैनी ये सब बिलोंग टू मोस्ट ऑफ द लेटिन कंट्री एंड ग्रीक कंट्रीज से तो ये टर्म मतलब उन्हीं की लैंग्वेज के टर्म होते हैं ग्रीक टर्म्स व्हाट इज द ग्रीक तो ग्रीक का मतलब ग्रीस लोगों के थ्रू जो यू लैंग्वेज यूज करी जाती थी या वहाँ के जो नेबरिंग कंट्री में जनरलाइजेशन था लैंग्वेज का कि ग्रीस ठीक है तो ग्रीस मतलब ग्रीक और ग्रीक लैंग्वेज तो देखिए क्या मतलब होता था ओकाइज जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मतलब हाउस कंसर्न और लोगोस का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी बहुत सारी जगहों पे आता है स्टडी ठीक है तो इकोलॉजी क्या हुआ कि स्टडी ऑफ लाइफ एट होम अब मेनली क्या बात करना था विद एम्फाइसिस ऑन पैटर्न ऑफ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट कि ऑर्गेनिज्म के बीच में आपस में का संबंध है और उनके अपने इन्वायरमेंट के साथ किस टाइप के रिलेशन है तो वो स्टडी करते हैं इकोलॉजी में ठीक है अच्छा दूसरा संबंध यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक इसी से मिलता हुआ इकोनॉमिक्स एक दूसरा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स जिसकी रूट्स भी ग्रीक से आती थी, हैं ग्रीक ठीक है जैसे नॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट और ठीक है तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ मैनेजमेंट ऑफ हाउस ये पे है कि स्टडी ऑफ लाइफ एट होम ठीक है रिगार्डिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एज एज वेल दी सराउंडिंग इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स की मैनेजमेंट ऑफ द होम बहुत सारा इसमें एक सिमिलर है तो एक यहाँ पे जर्नलाइजेशन क्या बना कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स शुड बी कैंपेनिंग इंडरसेप्टेड मतलब बहुत साथ ही एक दो ओरिजिन तो ग्रीक से है आ, मीनिंग सिमिलर है ठीक है एक मैनेजमेंट हाउस की बात करता है दूसरा लाइफ की स्टडी एट होम ठीक है अच्छा इसके बाद एक इससे भी इसका रेसेंट डाटा मिलता है बहुत ही एंसेंट कि इकोलॉजी हैज़ रूट्स इन नेचुरल हिस्ट्री नेचुरल हिस्ट्री का काइंड ऑफ बुक इंसाइक्लोपीडिया दैट रिटन बाय द बुक एक साइंटिस्ट हुए फिलोसफर हैं साइंटिस्ट से पहले फिलोसफर थे साइंटिस्ट तो थे ही बस फिलासफर थे इन्होंने किसमें बताया था कि नंबर ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड रिकोगनाइज दैट पॉपुलेशन ऑफ मैन एनिमल्स एंड प्लांट सब्जेक्ट टू सेम प्रोसेस कि मैन एनिमल्स माइनो स्पेशल है बाकी एनिमल्स एंड प्लांट्स ये सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं या इनकी जो डीलिंग होती है वो सेम काइंड ऑफ प्रोसेसिस से होती है अच्छा अब इसके बाद इकोलॉजी का कुछ जनरलाइजेशन स्टार्ट हो गया जैसे इकोलॉजी को उन्होंने बोला कि सबसे ओल्डेस्ट साइंस है हमें लगता है इकोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की बॉटनी की की इस तरीके से हम बात करते हैं कि बाद है। में आई मगर यहाँ पे क्या कर रहा है इकोलॉजी इज द ओल्डेस्ट साइंस ठीक है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक कम फ्रॉम द सेम रूट ऑफ आइज क्योंकि ऑलरेडी हम मैंशन कर चुके हैं ठीक है इकोलॉजी अच्छा यहाँ पर अब बात है तो इकोलॉजी पहले है या इकोनॉमिक्स पहले है? तो इकोलॉजी कम्स लेटर आपको बताया ना इकोनॉमिक्स पहले आया फिर जो है इकोलॉजी आई अच्छा बिफोर इकोलॉजी कम इन टू यूज़ द टर्म बायोनॉमिक्स इन एक टर्म था बहुत जनरलाइजेशन था बिफोर इकोलॉजी इकोलॉजी के एग्जिस्टेंस से पहले इसमें सब कुछ आता था कि स्टडी इन इकोलॉजी ऑल पार्ट्स दैट बी नाउ स्टडी इन इकोलॉजी वो सब इसमें आती थी बायोनॉमिक्स में ठीक है तो आप ध्यान रखें इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी से पहले जर्नलाइजन था जिसे हम बोलते थे बायोनॉमिक्स इस टाइप की सब स्टडी बायोनॉमिक्स में की जाती थी ठीक है इसके बाद इन्होंने एक और बात बताई है कि बेल्स एक साइंटिस्ट हुए है सुना होगा जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के लिए बोला कि फिजिकल बेसिस लाइफ और बेल्स इन्होंने एक जनरलाइजी इकोलॉजी इज द एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू द होल बर्ड ऑफ लाइफ इन्होंने दोनों को मर्ज करके देखा कि भाई इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में आपस में क्या रिलेशन है तो इन्होंने कहा कि इकोलॉजी जो है इकोनॉमिक्स का एक्सटेंशन है मतलब इसी का एक एक्सटेंडेड फार्म एक बढ़ा हुआ फार्म है ठीक है जिसमें हम जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ में उन सबकी स्टडी करते हैं अच्छा इसके बाद शुरू हुआ इसकी डेवलपमेंट और इसके फादर का नाम आता है कि सबसे पहले इकोलॉजी में किसने काम किया था ग्लोबल लेवल पे तो हम सुनते हैं ओडम उडम हम वो लोग बोलते हैं तो मगर उड़म का उड़म कई हुए इनके भाई भी थे उड़म एक और उडम थे और एक जो मेन हमारा जो फादर ऑफ इकोलॉजी है जिसके नाम से एक स्कूल ऑफ इकोलॉजी चलता है वो उनका पूरा नाम किया था उन्होंने बोलते हैं ई पी उडम जिसका मतलब किया था यूजीन फिज एंड ऊजम ठीक है उन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी ये ग्लोबल फादर हैं इकोलॉजी के अब हम बात करते हैं अपनी कंट्री हमारा प्यारा भारत जिसमें आर डी मिश्रा जिन्हें बोलते हैं रामदेव मिश्रा जो कि बहुत बड़े बी एच यू के प्रोफेसर थे और इन्हें ही फादर ऑफ़ इकोलॉजी बोला जाता है इंडिया में इनके कुछ कंट्रीब्यूशन जैसे इन्होंने पहला इकोलॉजी में टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया था बी एच यू डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में ठीक और इसके बाद इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना करी थी जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी जिसका हेडकोर्टर बी एच यू में बॉटनी डिपार्टमेंट में है ठीक है इसके बाद इनका आपस पर अपना बुक क्या था इनकी अपनी वैल्यू वैल्यूशन देखिए इन्हें एक अवार्ड मिला था जिसे नेशनल जैसे हिंसा बोलते हैं ठीक है थीके? बहुत बड़ा सोसाइटी इंडिया में तो इसकी फेलोशिप मिली थी इसके बाद इन्हें बर्ड अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस की फेलोशिप मिली थी और सबसे इंपॉर्टेंट संजय गांधी अवार्ड इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मिलता है और सेम अवार्ड इनकी माँ के नाम मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से भी एक अवार्ड इन सेम फील्ड में दिया जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपको ध्यान रखना है तो संजय गांधी अवार्ड किस फील्ड में मिलता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ही प्रेस्टिजेड अवार्ड है इन दिस फील्ड अच्छा उसके बाद हम बात इकोलॉजी इकोलॉजी को हम आप क्या कंसिडर करते हैं साइंस है आर्ट है फिलोसफी हम बॉटनी में पढ़ते हैं जुलॉजी की स्टोरी जुलॉजी में पढ़ते हैं और कुछ लोग प्योर इकोलॉजी के आज पी कोर्स होता है ठीक है रिसर्च होती इकोलॉजी में तो इस तरीके से इकोलॉजी एक अपने आप में क्या चीज़ है हम लोग साइंस ही कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें लगता है बॉटनी साइंस है जियोलॉजी साइंस है तो इकोलॉजी इसका पार्ट है तो साइंस होगा मगर इकोलॉजी साइंस भी है फिलोसफी भी आर्ट वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ये देखिए साइंस कैसे इकोलॉजी वैन इकोलॉजी इन्वेस्टिगेट आर्गेनिज्म इंटू रिलेशन टू देर एनवायरमेंट जब ऑर्गेनिजम को उनके इन्वायरमेंट के साथ जो स्टडी की जाती है रिसर्च की जाती है डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट में हम बात करते हैं तब इकोलॉजी क्या है साइंस है अच्छा उसके बाद इकोलॉजी फ़िलासफी कहते हैं फिलासफी का मतलब होता है फलासफी करना किसी के फ्यूचर के बारे में बात करना कि ऐसा कर सकते हैं हम ठीक है फिलासफी मतलब करा नहीं है, कर सकते हैं जैसे कि बर्ड ऑफ लाइफ जो भी लाइफ है जितनी भी टाइप की लाइफ है अगर हम उन्हें नेचुरल प्रोसेस की टर्म्स में इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उनकी व्याख्या करते हैं वो भी इकोलॉजी में करा जाता है तो उस परस्पेक्टिव से ठीक उस परस्पेक्टिव से फिलोसफी है इकोलॉजी एक फिलोसफी है मतलब उसके बाद हम कहते हैं आर्ट इकोलॉजी इट इज आर्ट तो आपसे कोई पूछा वार्ट इज इकोलॉजी तो अपने इकोलॉजी इज आर्ट इन दिस टर्म पार्टिकुलरली साइंस भी है फिलोसफी बट इन दिस टर्म वट दिस देखिए रिक्वायरिंग इकोलॉजी में हम क्या करते हैं रिक्वायरिंग नीड करते हैं स्किल्स एंड हैविंग ए प्लान एंड पैटर्न इन विच मेनली एक्टिविटीज में बी क्रिएटेड एंड ऑल आर्ट कैन बी डेवलप्ड बाई एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी ठीक है हमें प्रिंसिपल भी डेवलप करने का मौका मिलता है बाई द यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजी देन इट विल बी ना आर्ट अच्छा उसके बाद देखें अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं जो टॉपिक चल रहा है देखिए थे इकोलॉजी के बारे में इकोलॉजी बाज एंड मीनस द डिसिप्लिन दैट एड्रेस हाइस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ बायोलॉजिकल आर्गेनाइजन एक बात ये कही जा रही है कि आज भी इकोलॉजी जो है बायोलॉजी की सबसे हाइस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ बायोलॉजिकल आर्गेनाइजन को स्टडी करने का जो साइंस है वो इकोलॉजी है इंपॉर्टेंट हमें लगता कि है कि बाय केमिस्ट्री बॉडी पर बाय बॉडी पर जब यहाँ पर क्या करें इकोलॉजी इज हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ बायोलॉजिकल आर्गेनाइजन को जो स्टडी करता है वो सब्जेक्ट वो डिसिप्लिन ठीक है वो एस्पेक्ट वो इकोलॉजी है इसके बाद क्या है इकोलॉजी सीन है इज नॉट ए बायोलॉजिकल बट ह्यूमन साइंस के में देखा जा रहा है आजकल ठीक है इसके बाद जो लाइफ की जितने भी पब्लिक हेल्थ के जो जितने भी पार्टी हैं उन्हें भी हम एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजी के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक है अब देखिए नाइनटीन सेवेंटी ईयर जो था उसे हमने सेलिब्रेट करा था डिकेड ऑफ इन्वायरमेंट ठीक है अच्छा इससे पहले नाइनटीन सेवेंटी से पहले क्या होता था कि इकोलॉजी को हम एक सब डिसिप्लिन बायोलॉजी का मानते थे तो नाइनटीन सेवेंटी के बाद वो चीज़ खत्म हो गई इकोलॉजी अपने आप में एक सेपरेट डिसिप्लिन के फार में आया एग्जिस्टेंस में अच्छा इस और एक इंपॉर्टेंट नाइनटीन से जुड़ा हुआ नाइन्टीन से तीन बातें हुई कि नाइन्टीन को एज अ डिकेड ऑफ इन्वयरमेंट कंसिडर करते हैं नाइनटीन से पहले या हम कहते हैं नाइन्टीन के बाद इकोलॉजी के अपने फुल फ्लेज फार्म में आया कि वो किसी का ब्रांच सब डिसिप्लिन नहीं रहा और इकोलॉ नाइनटीन सेवेंटी में ही हमने पहली बार अर्थ डे सेलिब्रेट किया जिसका जो वो होता है टाइम 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल हम मनाते हैं बाईस अप्रैल को तो ये 1970 से स्टार्ट हुआ मतलब पहला आर्थडे नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था ठीक है अच्छा उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से इकोलॉजी हमारे जो साइंस हैं जैसे हम नेचुरल साइंस बोलते हैं जिसमें हमारा बाटनी जुलॉजी बायोकेमिस्ट्री सब आता है और सोशल साइंस जिसमें हमारे ये जोग्राफ़ी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये सब आपके सोशल साइंस में आते हैं तो इन दोनों साइंस के बीच का लिंक है एक साइंस होता है ऑब्स्ट्रैक्ट साइंस जिसमें मैथमेटिक्स आपका आता है स्टेटिक्स आता है फिजिक्स आता है ये स्टैटिक हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं जो हमारा नेचुरल साइंस है जो लाइफ के बारे में बात करता है बाटोजोलॉजी बायो बायोकेमिस्ट्री म्यूजूलॉजी जो भी है ठीक है और सोशल साइंस जो हमारा पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री ये सब्जेक्ट जो आते हैं ये सोशल साइंस होता है ठीक है इन दोनों को बीच में मर्ज करने वाला जो साइंस है वो इकोलॉजी है मतलब ये एक अटैक्ट है जो ब्रिज बिटवीन दिस सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस के बीच का ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ इंडिया के बहुत आ, या ग्लोबल लेवल के इंडिया की बात करेंगे पहले ग्लोबल लेवल के कुछ जो इकोलॉजिस्ट हुए उनके बारे में बात करें उनके स्टेटमेंट के बाद बात करेंगे उनकी थ्यूरी जो दैट गिवन बाय देम उनकी बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं देखिए टी आर माल्थर्स वेरी इंपॉर्टेंट आपने इसे एवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा टी आर मालथर्स जो थे इन्होंने एक अपना बुक लिखी थी या एक ऐसे लिखा था जिसका टॉपिक था एंड एस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट इस को पढ़ के इस आर्टिकल को पढ़ के या रिसर्च पेपर को पढ़ के जो इकोलॉजी के एवोल्यूशनरी के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे और बैलेस, इन लोगों ने इसे पहले स्टडी करा था और उसके बाद वो किसी कंक्लूजन में पहुंचे थे तो आप ध्यान रखना टीयर वेरी इंपॉर्टेंट और इनकी जो बुक का था राइटर जिन्होंने बुक लिखी थी उसका नाम क्या था एन एस एन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन इस बुक को किन्न पढ़ा था माल्थस ने पढ़ा था सॉरी डारबिन ने पढ़ा था और बैलेस ने पढ़ा ये दोनों एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के बहुत रोलवेट साइंटिस्ट हैं इनका बहुत नाम आता है तो माल्थस के ही आर्टिकल को पढ़ के ये किसी कंक्लूजन पे पहुंचे थे उसके बाद आता है अर्नेस्ट हैकल आप पूरा नाम हम देखिए हमें लिखा कभी कभी पूरे नाम भी पूछ ले जाते हैं अननेट हैंनरिक फिलिप अगस्ट हैकल मगर नाम क्या जनरली जाना जाता है अर्नेस्ट हैकल करके हमारे जानते हैं और ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने टर्म जो है हमारा इकोलॉजी दिया है इन्हें ध्यान इसलिए रखा कि जो तो टर्म है इकोलॉजी जैसे फूड चेन दिया था इकोसिस्टम दिया था टेंस लेने ठीक है 1935 में फूड चैनल कॉन्सेप्ट दिया था तो इस तरीके एल्टन ने इकोलॉजिकल प्राइवेट का काम दिया था तो इसी तरीके जो इकोलॉजी ही टर्म जो दिया था वो आपका अर्नेस्ट हैकल ने दिया था जबकि ये जोलॉजिस्ट थे आप समझ रहे हैं बात को अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है मैंने उन्हें भी नोटिस किया देखिए हैकल के बारे में एक बारे में बात और की जाती है इनका एक थ्यूरी है जिसे रिकैपिटुलेशन थ्यूरी बोलते हैं थ्यूरी ऑफ रिकैपिटुलेशन बोला जाता है इसी थ्यूरी का दूसरा नाम है बायोजेनेटिक लॉ और इसी को तीसरे नंबर पर कहते हैं हम एम्बेरोलॉजिकल पैरलिज़्म ठीक है जिसमें हैक्के का एक फ्रेस यूज करा जाता है आंटोजनी रिपीट्स फाइलोजनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एंसेस्टर हमारे हुए हैं आंटोजनी का मतलब हमारी ओल्ड और फाइलोजेनिक जो आज की हमारी लाइफ है उसे तो हमारी जो पुरानी लाइफ है वो आज की लाइफ को रिपीट करती है इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट है वो किस किस तरीके से हुआ है उसे पूरा एक डिमॉन्स्ट्रेशन दोबारा करते हैं जैसे कि इन गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन बींग में नाइन मंथ का नाइन मंथ का मतलब होता है फोर्टी बिक्स ठीक है टू एट्टी डेज तो टू एट्टी डेज में जो ह्यूमन बींग का जो इम्रियो होता है भ्रूण होता है वो अपनी हर अवस्था को मदर बॉम में रिपीट कर लेता है कि पहले ह्यूमन बींग कैसा था frog की तरह था फ्रॉग से पहले वो पिसिस तरह था डेवलपमेंट आपको क्या बताता है कि सबसे पहले फिश फिर एम्फीविया फिर एवीज़ फिर रेप्टाइल्स और फिर मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ है तो उन 40 वीक्स में या टू फोर्टी टू एट्टी डेज़ में ह्यूमन जो इमरे होता है वो हर एक अवस्था को एक बार उसकी जो रूप होता है उसका जो प्रारूप होता है वो उस अवस्था को अडॉप्ट करता है जैसे कि पहले मछली की टाइप लगेगा फिर वो फ्रॉक की टाइप लगेगा फिर वो एक किसी बर्ड के टाइप लगेगा फिर रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आएगा और लास्टली जब उसका मतलब टाइम पूरा हो जाता है कहते हैं कि टाइम टू फोर्टी डेज चालीस या नौ महीने पूरे हो गए अब बच्चा पैदा होने वाला है तो वो बिल्कुल ह्यूमन बींग की तरह दिखाई देता है तो इस चीज़ को बोला गया है रिकैप्यूलेशन की मतलब फर्दर से वो रिकैप्यूलेट अपनी उसी जर्नी को जाता है और इसी को बायोजेनेटिक ला बोला गया इसी को एम्बोलॉजिक पैरालिज्म बोला गया है और इसका फ्रेस बहुत इंपॉर्टेंट यूज करा जाता है आंटोजेन रिपीट्स फायलोजनी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें चार क्वेश्चन आपके

का एक रूपांतरण है इसी का एक मॉडिफिकेशन है बायोजेन टेक्ना जो कि हैकल ने बोला था ठीक है तो ये वाली जो सर्वाइवल फिटेज का कॉन्सेप्ट है ये दिया था डार्विन ने अपनी थ्री जिसका नाम है डार्विनियन एवोल्यूशनरी थ्र्यूरी में बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कि जो सर फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा बाकी जो अनफिट होते हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे उनकी डेथ हो जाएगी वो सोसाइटी से आउट हो जाएंगे ठीक है और ये ये क्या था किस लिए बोलना इंडियन मेकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के हाउ ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट ठीक है नेचुरल सिलेक्शन की मेकेज्म की फार्मिंग की इट इज ए वे टू एक्सप्लेन द नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन उसे एक्सप्लेन करने के डारमी ने कॉन्सेप्ट दिया था सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट इसी का दूसरा जो रूप है वो बायोजेनेटिकला रिकैपिटलेशन थ्योरी या एम्बरोलॉजिकल पैरालिज्म उसी को हाइकल ने दूसरे नाम दिए इसके बाद आता है चार्ल्स इल्टन हमने आपको पहले इल्टन के बारे में दो बार बताया कि इन्होंने फूड चैन का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने फूड बेब के बारे में बात करी और इन्होंने इकोलॉजिकल पैरामिट की, की बात करी है ठीक है ये इल्टन की बात है उसके बाद एजी टेंसले ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म दिया है देखिए फूड चेन का नाम पता लगा किसने दिया फूड वेव किसने दिया इकोलॉजिकल के प्राइमेंट टेंसले ने इल्टन ने दिया था टेंसले ने आपको इको दिया इकोलॉजी किसने दिया था ठीक है जिले ने अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए आपने देखा जब आप पढ़ते हैं वेजिटेशन सक्सेसन पढ़ते हैं तब इसमें क्लाइमेक्ट कम्युनिटी और पाइनर कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट जो आता है वो दिया था एक क्लिमेंट जो कि एक अमेरिकन थे और बायोटिक कम्युनिटी कॉन्सेप्ट एज वेल एज विजिटेशन सक्सेशन के बारे में उन्होंने बात किया था और इंपॉर्टेंट इकोलॉजिस्ट हैं ये इनका काम अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बहुत कामन सा अच्छा आता है लेंडेमान प्रिंसिपल कहते हैं टेन परसेंट एनर्जी का जो प्रिंसिपल था वो किसने दिया था तो वो उनका वो कौन थे अमरीकन इकोलॉजिस्ट थे बल्कि इकोसिस्टम इकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफर कर ला दिया इसके बाद हमें ये पता है सबसे कॉमन है क्योंकि हम बहुत जानते हैं टेन परसेंट एनर्जी ला इसके बाद इन्होंने ट्रॉफिक डायनामिक आस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी दिया है और मटेरियल साइक्लिंग के बारे में भी इन्होंने बताया था ठीक है तो रेमंड लैंडमान जो थे अमेरिकन थे और इनका अपने आप एक कंट्रीब्यूशन है इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आज के टाइम के कुछ जो इकोलॉजिस्ट हैं इंडिया में है, उनकी बात करें देखिए उनके केवल हम नाम बताएंगे थोड़े से आइडिया हो जाए कि इंडिया में आज के टाइम में कौन बहुत ही प्रोमिनेंट जो इकोलॉजिस्ट हैं वो देखिए है। इसमें जे सिंह का नाम आता है पी एस सिंह का नाम आता है ठीक है ये तो मतलब प्लांट इकोलॉजिस्ट हैं जो बॉटनी वाले पार्ट पे काम करते हैं इसके बाद एक एनिमल इकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो इसमें एस एल होरा एम एस मनी एस एम दास और एस जेट कासिम एंड टी एन अनंथा कृष्णन एंड माधव गिटकिल जी इंडिया के बहुत बड़े एनिमल इकोलॉजिस्ट हैं ठीक है चलिए इसके बाद हम कुछ इकोलॉजी की डेफिनेशन जो बहुत बड़े बड़े इंडिया के फलास्फर ने दी जैसे कि सुंदरलाल बहुरा ने इकोलॉजी के बारे में क्या बोला आर डी मिश्रा ने क्या बोला था इकोलॉजी के बारे में हम उड़म की पढ़ते हैं हम दूसरे लोग पढ़ते हैं कभी हम इंडियन साइंटिस्ट की बात नहीं करते आज हम बताएंगे कि इंडियन साइंटिस्ट का व्यू इकोलॉजी के बारे में क्या था उन्होंने इकोलॉजी को कैसे करके डिफाइन किया तो पहले हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं जो इंग्लिश वाले लोग हैं उनकी बात करेंगे फिर अपने इंडियन आएंगे देखिए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोला था नेचर की स्टडी और फंक्शन की स्टडी को ठीक है ओडम ने जो डेफिनेशन दिया था आपको कभी कभी पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट ने दी तो आपको ये पता होना चाहिए दूसरा इल्टन ने क्या करा था इंटन ने कहा कि साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री ठीक है ये इकोलॉजी का डेफिनेशन दिया था और क्लिमेंट जो थे उन्होंने कहा था कि साइंस ऑफ द कम्युनिटी कम्युनिटी का जो साइंस होता है दैट नोन एज इकोलॉजी ठीक है उसके बाद हैकल हैकल का भी देख लीजिए द कंप्रीहेंसिव साइंस ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट की जो ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं अच्छा अब हम अपने इंडियंस का देखते हैं जरा देखिए थोड़ा सा इनका इंडियंस भी सबसे इंपॉर्टेंट हम अपने जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं आर टी मिश्रा उनका स्टेटमेंट देखेंगे कि उन्होंने जस्ट एक टर्म कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियंस हैं इसलिए इनका ध्यान रखें हम लोग स्टडी ऑफ़ द इकोसिस्टम इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी इकोलॉजी इकोलॉजी स्टडी ऑफ़ द इकोसिस्टम ठीक है ये तो थे साइंटिस्ट फादर ऑफ़ इकोलॉजी हैं अच्छा इसके बाद जो एक फलासर हुए हैं बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे सुंदरलाल बहुगुना उनके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा अच्छा इसके बाद हम ये बता दें कि इकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ जो आज के टाइम में जो इंडियन या ब्रिटिश हैं उनके बारे में ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी नाइनटीन में डेवलप हुई थी और इकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अफ्रीका उसके बाद हुई मतलब ब्रिटेन वाले पुराने हैं ठीक है उसके बाद अमरीकन आए और हमारे इंडिया में जो था लगभग फोर्टी सिक्सटी में इकोलॉजी डेवलपमेंट हुआ तो ग्रेजुअल है देखिए सबसे पहले ब्रिटेन तो हमेशा से आगे था तो नाइनटीन में उन्होंने अपनी सोसाइटी बना ली थी उसके बाद अमरीका आया नाइनटीन में अमरीका ने सोसाइटी बना ली उसके बाद हम लोग उनके मतलब बीस पच्चीस साल के बाद हम लोग आए नाइनटीन फोर्टी नाइनटीन सिक्सटी में इंडिया में इकोलॉजी का अलग से डिपार्टमेंट बनने लगे थे यूनिवर्सिटीज़ में ये एक डेवलपमेंट ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं अच्छा इसके बाद एक चिपको मूवमेंट के लीडर थे बहुत बड़े लीडर है सुंदर लाल उन्होंने भी अपने इकोलॉजी को डिफाइन किया ये भी आर डी बिश्रा की तरह इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए ध्यान रखने क्योंकि इनका संबंध इंडिया से है इन्होंने कहा कि इकोलॉजी इज दी परमानेंट इकोनॉमी देखो उन्होंने दोनों को जोड़ दिया शुरू में हमने बताया था इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स आपस में बहुत ही कंपेनियन डिसिप्लिन है उसी तरीके से इन्होंने दोनों को मर्ज करने के बाद डिफरेंस दिया कि इकोलॉजी इज दी परमानेंट इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट इसे आप ध्यान रखें और इन्हें बहुगुणा को एक अवार्ड भी मिला था स्वीडिश राइट लिब्ल्यूड अवार्ड भी मिला था इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ठीक है डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए इंडिया में अच्छा अब इसके बाद कहते हैं इकोलॉजी का संबंध कैसे करके दूसरे जो साइंसिस हैं तो उनसे बताते हैं जेनेटिक्स आपका एवोलूशन एंड बिहेवियर साइंस एंड फिजियोलॉजी इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं मतलब बहुत सारी इनकी कॉन्सेप्ट इकोलॉजी के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती है अच्छा जैसे अब इकोलॉजी को जो हम पूरे हैबिटेट पर यूज़ करते हैं जैसे कि पार्टिकुलर हैबिटेट की स्टडी करते हैं जैसे कि हमारा एक आया ओसिनोग्राफी मतलब होता है कि ओसिन के बारे में बात करते हैं उसकी स्टडी तो हमारा बन गया ओसिनोग्राफ़ी तो ये क्या हो गया मैरीन इकोलॉजी ठीक है स्टडी ऑफ मैरीन इकोलॉजी ओसिनोग्राफी गई इसी तरीके से लिम्नोलॉजी हमने देखा लिम्ना ठीक है तो फ्रेश वाटर इकोलॉजी जो पायला होता है ना पायला उसे लिमा बोलते हैं तो उस तरीके की जो होता है कहाँ मिलता है फ्रेश वाटर की जो बॉडीज होती हैं पॉन्ड वगैरह झरने जो होते हैं जो फ्रेश वाटर की बॉडीज़ हैं तो लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी ये तो जनरलाइजेशन था उसके बाद हम बात करें कि इकोलॉजी कुछ बेसिक सब डिवीजन जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी स्टडी करना हमें चाहिए तो देखिए एनमल इकोलॉजी कैन नॉट भी प्रॉपरली अंडरस्टैंड विदाउट ए बैकग्राउंड ऑफ प्लांट इकोलॉजी ठीक है तो बायोकोलॉजी वी आर प्लांट एंड एनिमल्स आर गिवन इक्वल इम्फे दोनों को बराबर मिलता है इकोलॉजी ठीक है प्लांट इकोलॉजी अलग एनिमल इकोलॉजी ऐसा नहीं है ये हम पढ़ते हैं केवल बट इकोलॉजी ही इकोलॉजी एक, एक सिंगल टर्म्स हैं और आजकल जो है कि टू बेसिक सब डिसिप्लिन है इकोलॉजी की जिन हम बोलते हैं आर्टिकोलॉजी और सिन इकोलॉजी तो पहले हम इसे समझते हैं आर्टिकोलॉजी क्या है देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं किसी एक सिंगल इंडिविजुअल क्या उसकी एक स्पीसीज की स्टडी करते हैं तो उसे हम आर्टिको आर्टिकोल मतलब केवल अपना सिर्फ आर्टिकोल यू ए यू टी इकोलॉजी ठीक है विद स्पेशल इन्फेस्ट टू इज लाइफ हिस्ट्री उसका बिहेवियर और उसके वो मीन्स वो तरीके हाउ ही अडॉप्ट सराउंडिंग एटमोसफेयर टू लिव देयर एंड कैरी आउट देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द सर्वाइवल वो चीज़ को जब हम कंसिडर करते हैं तो वो आपका हो जाता है आर्टिकोलि एक इंडिविजुअल एक सिंगल ऑर्गेनिक की स्टडी करते हैं या सिंगल पार्टिकुलर स्पीसीज की स्टडी करते हैं तो उसे आर्टिकोलॉजी बोला जाता है ठीक है जैसे हम एक हिस्ट्री ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल लाइक लेजार्ट हमने केवल एक बाल लेटार्ड की स्टडी है सिंगल इंडिविजुअुअल की स्टडी करें सिंगल एनिमल की स्टडी कर रहे हैं देन इज इट इज नोन एज आर्ट इकोलॉजी अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कि, कि अब प्लांट में चले जाओ तो प्लांट किसी एक पार्टिकुलर प्लांट है उसके एडाप्टेशन की बात करें तभी भी वही बात आई कि एनिमल फील्ड में चले मगर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो बाकी अब सिन का मतलब समझते हूँ सिन का मतलब होता है ना तो बड़बल कर देखिए जैसे इट डील्स विद स्टडी आप ग्रुप ऑफ आर्गन पूरे ग्रुप की हम ऑर्गेनाइज की स्टडी करें कि ये ग्रुप कैसे करता है इनका बिहेवियर कौन होता है ग्रुप में लीडर कैसे सेलेक्ट होता है अच्छा ग्रुप रिप्रोडक्शन के टाइम दूसरे मेंबर किस तरीके से तो उसकी हेल्प करते हैं इन सब की स्टडी करना है ग्रुप वाइज तो इट इज़ नोन एज सिन इसमें आपकी कुछ आती है पॉपुलेशन भी देखिए ग्रुप की बात करता है कम्युनिटी भी ग्रुप की बात करता है इकोसिस्टम भी ग्रुप की बात करता है इसलिए इसमें इसके डिवीजनस में पाए गए जबकि वहाँ सिंगल था तो कोई भी आटो इकोलॉजी का कोई भी डिवीजन नहीं है जबकि ग्रुप में ग्रुप अगर स्पीसीज के मेबर एक एक सिंगल के का मेबर पहले जुड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है पॉपुलेशन बन जाती है और डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन जब आप जुड़ते हैं तो कम्युनिटी बन जाती है और कम्युनिटी बहुत सारी कम्युनिटी किसी एक पार्टिकुलर एरिया में निवास करती है रहती है तो उसे क्या बन जाता है इकोसिस्टम बन जाता है तो ये तीन कैटेगरी पॉपुलेशन इकोलॉजी कम्युनिटी इकोलॉजी इकोसिस्टम इकोलॉजी किसका पार्ट है ये सिन इकोलॉजी का पार्ट है

রিস্টোরেশনিকোলোজি इकोसिस्टम इकोलॉजी पहली ओकोलॉजी जीन इकोलॉजी पहले इकोलॉजी आप सोचते हैं पहले में दो वर्ड होते हैं एक पहले बॉटनी मतलब जो प्लांट के लिए चली जाती है एक होता है पैलेंटोलॉजी जो एनिमल फॉसिल की स्टडी करती है जबकि हम यहाँ पेलॉजी फॉसिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ इकोलॉजी की बात कर रहे हैं बट पहली से एकदम समझ में आता है कि यहाँ पर आर्गेनिज एंड देयर एन्वायरमेंट इन जियोलॉजिकल पास्ट क्योंकि पहलू का मतलब होता है कि पुराने टाइम में आर्गेनिम कैसे रहते उनके जो फॉसिल्स हैं उनकी स्टडीज हम क्या आज के सिनेरियो को देख सकते हैं कि वो कैसे डिसअपियर हो गए आज क्यों नहीं पाए जा रहे थे पुराने टाइम में उनका इतना ज़्यादा मतलब क्यों वो मतलब ग्रो कर गए थे और आज क्यों नहीं पाया जाए इस तरीके की जो स्टडी होती है तो वो पहले इकोलॉजी में आते हैं इसी तरीके रिस्टोरेशन इकोलॉजी का मतलब है कि हम नेचुरल इकोसिस्टम जो आज के इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू डैमेज हो रहे हैं हम उन्हें कैसे करके कंट्रोल कर सकते हैं कि ये रिस्टोर हो सकते हैं वो जो ब्रांच है वो रिस्टोरेशन इकोलॉजी हो गई इसके बाद इको इकोलॉजी इससे और ब्रॉड टर्म क्योंकि इको का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक बड़े से सिस्टम में रह रही हैं अलग पूरे इन्वा तो इको बन जाता है तो देखिए क्या इट डील्स बोथ प्लांट एंड एनिमल एंग विद द टोटल इन्वायरमेंट बहुत बड़ा बात हो

ठीक है ये सब स्टडी जो है आपकी जीनिकोलॉजी में आएंगी इसके बाद साइटोकोलॉजी सेम बिल्कुल जीनिकोलॉजी की तरह ही साइटो का मतलब होता है ठीक है जिसमें साइटोलॉजिकल डिटेल इन ए स्पीसीज तो इन रिलेशन टू द पॉपुलेशन एंड डिफरेंट इवायरमेंटल कंडीशन जो साइटोजेनेटिक्स होती है क्रोमोसोम का नंबर का घट बढ़ जाना हाउ क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडाप्टेशन इन ए न्यू एरिया बाई ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बाई ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इस तरीके की जो स्टडी होती है वो साइटोकोलॉजी में होती है इसके बाद सिस्टम इकोलॉजी किसी पूरे फंक्शनल एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट इको ठीक है तो अब अभी इको के अंदर स्टडी हो रही थी अब हम क्या कर रहे हैं एक इको का दूसरे इको के साथ रिलेशनशिप कैसे करके एक इको दूसरे इको से कनेक्ट होता है ठीक है कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर एक इको को अफेक्ट करते हैं जिससे वो दूसरे इको सिस्टम पर अपना इन्फ्लुएंस डालता है ठीक है तो इस तरीके की स्टडी सिस्टम इकोलॉजी कंजर्वेशन इकोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को हम अपने नेचुरल रिसोर्स को कैसे करके प्रोटेक्ट कर, कर सकते हैं कैसे करके लिए हम सस्टेन कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए जैसे आते नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेबल डेवलपमेंट गोल्स तो उसी तरीके की जो स्टडी होती है कि अपने नेचुरल रिसोसिस को बाई एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बी रिमेन मेनटेन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन तो इकोसिस्टम इकोलॉजी हो गई इसके बाद रिसोर्स इकोलॉजी की बात करें तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम किस तरीके से मतलब यूज करें कि वो भी यही से हम बात करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए और आज की जनरेशन में इक्वल डिवाइडेशन हो सबको इक्वल रिसोर्स मिले ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रिसोर्स मिल जाए और कुछ लोग जो हैं उन्हें बिल्कुल यूटिलाईज ना मिले तो इक्वलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स की जो बात करते हैं वो आपका रिसोर्स इकोलॉजी में आ जाता है कि जो रिसोर्स हैं उनका सभी प्लांट और एनिमल के बीच एक इक्वल डिवाइडेशन हो और उन्हें मेंटेनेंस की बात की जाती है इसके बाद पॉपुलेशन इकोलॉजी इसमें भी वही करते हैं उनके ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स और उनके मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच जो स्टडी होती है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी में होती है हैबिटेट इकोलॉजी में मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट जैसे कि फ्रेश वाटर मैरीन इकोलॉजी ग्रास लैंड इकोलॉजी क्रॉप लैंड इकोलॉजी इन सब को स्टडी किया जाता है इकोलॉजी देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप के टेक्सोमिक ग्रुप होते हैं जैसे माइक्रोबियल बैक्टीरिया वाले अलग हो गए फंजाई के अलग हो गए ठीक है लाइकेन का अलग हो गया एल्गी का अलग हो, हो गया इस टाइप की जो स्टडी होती है उसे हम टेक्सोनॉमिक इकोलॉजी में इंक्लूड करते हैं इसके बाद आता है प्रोडक्शन इकोलॉजी ठीक है प्रोडक्शन इकोलॉजी में आप देखिए इसमें पूरा क्या होता है ग्रास और नेट प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है एक कम्युनिटी या एक पॉपुलेशन के थ्रू जो प्रोडक्टिविटी क्रिएट की जाती है उनकी स्टडी करना ठीक है उसके बाद अप्लाइड इकोलॉजी तो अप्लाइड इकोलॉजी क्या है स्पेशलाइज फील्ड ऑफ इकोलॉजी विच कंसर्ड विद द कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लाटेशन ऑफ द दर्गेज अप्लाइड मतलब कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हाउ बी मेक देम इफेक्टिव फॉर आवर पॉपुलेशन इस चीज़ की जो स्टडी होती है ना कि कैसे करके उन्हें हमारे रिसोर्सेज को अप्लाइड बना सकें कि हमारी जनरेशन जो है उसे यूज कर सके हम भी यूज करें आने वाले भी यूज करें ठीक है तो अप्लाइड इकोलॉजी इसके बाद होता है जीन इकोलॉजी दोबारा से रिपीट हुआ है देखें रेडिएशन इकोलॉजी रेडिएशन का हम समझ रहे सनलाइट हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल हाउ दे अफेक्टेड बाई दिस सनलाइट रेडिएशन अल्ट्रावा रेडिएशन किस तरीके से ह्यूमन प्लस प्लांट और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें अफेक्ट करती हैं तो उसकी जो स्टडी करी जाती है वो रेडिएशन इकोलॉजी में आती है इसके बाद आता है इको इकोजियोग्राफी इको जियोग्राफी में क्या होता है कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट और एनिमल का डिफ्रेंट इन्वायरमेंट किस पर डिपेंड करता है जैसे कि कुछ टाइप के प्लांट पाए जाते हैं यहाँ पे बाकी दूसरे वेजिटेशन पाए देखते हैं कि माउंटेन है, एरिया में पाई जाती है, पा है, पा है दूसरे टेम्परेट एरिया में पाई जाती है कुछ ट्रॉपिकल स्पेशली पाई जाती है कुछ यहाँ पर नहीं पाए जाते दूसरी जगह पाए जाते तो व्हाट इज द डिफरेंस वाट इज द रीजन बिहाइंड दिस किसी एक सिंगल काइंड ऑफ पॉपुलेशन या सिंगल काइंड ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड हेर बट आर नॉट फाउंड एन अदर प्लेसेस तो इसके पीछे क्या रीजन हैं उनकी स्टडी करी जाती है तो इको जियोग्राफी में आती है अच्छा इसके बाद आज हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो यंग ब्रांच है इकोलॉजी की सबसे रिसेंट ब्रांच है जिसपे आज काम हो रहा है वो कौन सी है तो वो इकोलॉजिकल इनर्गेटिक्स और प्रोडक्शन इकोलॉजी है ये ध्यान रखना है आपको इकोलॉजी हम एनर्जी की पॉपुलेशन के बीच या कम्युनिटी के बीच जो एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है या हाउ दे मेंटेन हाउ दे एनहांस इन्हांस सनलाइट इंटू द केमिकल एनर्जी तो उ, उन चीज़ों की स्टडी करने के लिए जो होता है वो हमारा इकोलॉजिकल एनर्गेटिक्स जो कि आज की मॉडर्न ब्रांच है इकोलॉजी की सबसे ज़्यादा रिसर्च कर जा रही है ठीक है अब देखते हैं कि स्कोप क्या है इकोलॉजी का ठीक है इकोलॉजी आज के टाइम में हमारी बायोलॉजी को कैसे करके अफेक्ट कर रही है हम उसे देखेंगे यहां पे देखिए एमंग द बेसिक डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इकोलॉजी इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द दार्फोलॉजी एंड फ्लोजोलॉजी बायोलॉजी के बहुत सारे डिवीजन जेनेटिक्स साइटोजेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग एनाटमी इवायरमेंटल बॉटनी इकोनॉमिक बॉटनी स्ट्रेस फिजियोलॉजी एडवांस फिजियोलॉजी क्राफ्ट फिजियोलॉजी प्लांट बायोज जेनेटिक्स ठीक है इस तरीके से मगर जो इकोलॉजी है बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा जो करीब है वो उनकी मार्फोलॉजी के और फिजियोलॉजी के इन दो जो ब्रांच हैं बायोलॉजी की इनके बहुत करीब में है बहुत पास है बहुत ज़्यादा कंसर्नड है, है। फिजियोलॉजी से एंड मार्फोलॉजी से देखिए मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी बीच में आपकी इकोलॉजी और इन तीनों का जो मिक्सचर आता है वो कहाँ से बनता है बायो क्लाइमेटोलॉजी ये बनाता है जैसे था ना कि इकोलॉजी इज दी ब्रिज बिटवीन दी द नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस इसी तरीके से पे जो जो बायोलॉजी की बीच में जो लिंक का काम करता है स्पेशली मार्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी के बीच में इकोलॉजी इज ए ब्रिज ठीक है और तीनों का जो संगम होता है जो क्लाइमेक्स बनता है वो क्या बनता है बायो क्लाइमेटोलॉजी बनता है तो बायो क्या स्टडी करता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी के बीच की जो स्टडी होती है वो बायो है ठीक है अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स ऑफ स्टडी उनकी बात करते हैं इकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है इकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करती है देखिए बेस्ट वे टू डी लिमिट द मॉडर्न इकोलॉजी इज़ टू टर्म्स ऑफ बायोटिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइज जो लाइफ के जो लेवल्स हैं लाइफ कम से कम कहाँ पर स्टार्ट हो सकती है और ज़्यादा ज़्यादा कहाँ तक जाती है वो बात करेंगे तो बायोलॉजिकल एक्सपेक्टर में बात करें तो सेवरल कंपोनेंट हैं उसके जिसमें हम लाइफ की बात करें जैसे कि सबसे पहले जीन्स आता है फिर सेल्स आती हैं फिर टिशू आता है फिर आर्गन्स आते हैं फिर आर्गन सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म फिर पॉपुलेशन फिर कम्युनिटी फिर इको फिर बायोस्फीयर सबसे छोटा क्या होता है जीन्स जीन्स के बाद बनती है सेल्स सेल्स के मिलने से बनते हैं टिशूज टिश्यूज के मिलने से बनते हैं ऑर्गन आर्गनस के मिलने से आर्गन सिस्टम आर्गन सिस्टम का जो आगे का वो है वो आर्गनिज बनता है आर्गनज से बनती है पॉपुलेशन और पापुलेशन से बनती है कम्युनिटी और कम्युनिटी से बनते हैं इको सिस्टम और इको सिस्टम से बन जाता है बायोसफियर तो ये एक पूरा सीरीज़ है ठीक है इकोलॉजी में स्टडी करने की आप देखिए मैंने इसे उसी तरीके से डायग्रामेटिक दिखाया आप देखें थोड़ा सा इंट्रक्शन ऑफ एबोबायोटिक हमने जो कंपोनेंट बताया वो और उनका फिजिकल इन्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं एनर्जी एंड मैटर ठीक है एच ईच लेवल प्रोड्यूस द करेक्टरिस्टिक फंक्शनल बायो सिस्टम देखिए कैसे करके जीन से क्या बनता है आपका जीन सिस्टम बन गया सेल से क्या बन गया सेल सिस्टम आर्गन से ऑर्गन सिस्टम आर्गेनिज से ऑर्गेनिज्म बन गया पॉपुलेशन से पॉपुलेशन इको सिस्टम बन गया और कम्युनिटी से पूरा इको सिस्टम बन गया इन सब के बीच में लेफ्ट टू राइट मूव करें तो जीन से लेकर कम्युनिटी तक जो एनर्जी और मैटर है वो एक दूसरे इनमें मूव करता रहता है जींस और कम्युनिटीज के बीच में ठीक है अच्छा इकोलॉजी मेनली कंसर्न विद राइट हैंडेड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम राइट हैंडेड पोर्शन का मतलब ये वाला क्योंकि नीचे तो बहुत छोटा छोटा है राइट right हैंडेड वाला ये हुआ यहाँ से हम बात कर सकते हैं ये मतलब पॉपुलेशन और इकोलॉजी से ठीक है जो पूरा स्पेक्ट्रम है लाइफ का स्पेक्ट्रम क्या है कि जीस सबसे छोटा और कम्युनिटी सबसे बड़े ठीक है तो पॉपुलेशन कह रहा है कि राइट right हैंडेड स्पेक्ट्रम से ज्यादा कनेक्ट है जैसे कि पॉपुलेशन कम्युनिटी और इकोसिस्टम ये तीन जो राइट हैंड्रेड पे आए इनसे देखिए पापु आपका पॉपुलेशन कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम ये जो इनसे बनने वाली यूनिट है इनके बारे में बहुत बात करता है इकोलॉजी देखिए पॉपुलेशन क्या होता है ग्रुप और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एनी काइंड किसी भी काइंड के मगर तो एक सिमिलर टाइप के होने चाहिए इट मेक्स पॉपुलेशन इकोलॉजी कम्युनिटी का मतलब क्या होता है इफ आल पॉपुलेशन ए गिव एरिया टुगेदर फॉर्म कम्युनिटी जैसे कि असेंबल ऑफ पॉपुलेशन और कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाइए इसी तरीके से कम्युनिटी जब पार्टिकुलर एरिया में चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा इको बन जाएगा तो कह रहा है स्टडी ऑफ कम्युनिटी इन रिलेशन टू देयर टोटल इन्वायरमेंट ठीक है इट इज नोन एज इको अच्छा अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है बायोस्फीयर भी एक इसका पार्ट होता है इकोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं तो लार्जेस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम वे सेवरल इकोसिस्टम कैन ऑपरेट टुगेदर इट हैज थ्री कंपोनेंट हाइड्रोस्फीयर लेथोस्फियर एंड एटमॉस्फेयर बहुत सिंपल सा है कि पूरा बायो सिस्टम बायोस्फीयर किससे बना है पानी है मिट्टी है और हमारे गैसेस हैं तो तीनों सिस्टम हो गए तो इसमें आपको देखना है कि पूरे जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी सेवन चीज़ें मगर हमारा जो इकोलॉजी है वो काम करता है इन चीजों पर पॉपुलेशन पे कम्युनिटी पर इकोसिस्टम पे ये तीन जो मेन है स्पेशली जो यूनिट ऑफ इकोलॉजी कहलाती है वो आपकी पॉपुलेशन कहलाती है कम से कम पॉपुलेशन लेवल की स्टडी होनी चाहिए इकोलॉजी में ठीक है गाइज तो मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट जो इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं ग्लोबल इकोलॉजिस्ट हैं उनका अपना कंट्रीब्यूशन हाउ इकोलॉजी कंसर्न टू द इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी सिनिकोलॉजी आर्ट एज वेल एज जो इकोलॉजी की ब्रांचेज हैं जो मॉडर्न ब्रांचे हैं उनके बारे में बात करा और जो रिसेंट सबसे बताया कि इकोलॉजिकल इज इनर्गेटिकज यंग ब्रांच ऑफ दी इकोलॉजी इन सब के बारे में बता दिया साइंटिस्ट के बारे में बता दिया तो आई थिंक पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया इकोलॉजी क्या है इकोलॉजी के रेशन क्या करते हैं हम लोग इकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है कि आर्गेनिज्म का आपस में रिलेशन और ऑर्गेनिज्म का अपने सराउंडिंग एटमोस्फियर से किस तरीके का संबंध होता है इसे स्टडी करने के लिए जो ब्रांच साइंस की होती है उसे हम क्या बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं बस इसी के साथ लेक्चर में पूरा करता हूँ ठीक है थैंक यू वेरी मच और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ओके थैंक यू वेरी मच